आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है भैरव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। देखिए स्क्रीन पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सेट गोल्स दैट स्केयर यू एंड एक्साइट यू एट द सेम टाइम। क्या मतलब है भाई इसका? हमेशा अपने गोल्स को देखिए बड़ा बनाइए, ठीक है। इतना बड़ा गोल रखिए कि जिसको सुन के आपके अंदर से एक जुनून पैदा हो। स्केयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप डर जाएं उसको सुन के आपके अंदर एक जुनून सा पैदा हो, एक आग सी लग जाए अंदर से कि नहीं यार मुझे ये हिट करना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ऑफिसर आपका ड्रीम है। अगर आपका गोल है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ऑफिसर का नाम सुनता ही आपके अंदर से एक जुनून सा आए कि हाँ यार मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। तो गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो स्केयर करे आपको और एक्साइट करे। एक्साइट इन द सेंस मतलब उसको अचीव करने में जो आपको डेली जो रूटीन वर्क में जो आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी उसको करने में आपको मजा आए, मतलब एक्साइटेड रहें आप उस काम को करने के लिए, तभी तो गोल को अचीव करने में मजा आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो अच्छे से अपने गोल को बड़े से बड़ा सेट करिए और उसको अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए और डेफिनेटली आपका वो गोल जरूर अचीव होगा। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं आपको पजल का फर्स्ट सेट करा रहा हूँ। मैं आगे पजल की 50 पजल की सेट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 50 पजल मतलब डेली बेसिस पे आपको एक या दो पजल डेली बेसिस पर मिलेगी, ठीक है। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं डेली बेसिस पर मिलेगी और ये पजल आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं जिस अप्रोच से कर रहा हूँ डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक काम करिए, पहले जब मैं समझा रहा हूँ समझाने से पहले आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, ये पजल आपके सामने लिखी हुई है इसको खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा तरीका देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा और जरूर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है पजल में। देखिए 8 एम्प्लॉइज क्यू आर एच टी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी विल हैव टू अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड दिसंबर, ठीक। मतलब 8 एम्प्लॉई हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अगस्त में और दिसंबर में, ठीक है। दो मंथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अगस्त में और दिसंबर में, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, इन ईच मंथ द मीटिंग विल कंडक्ट ऑन डेट 21, 23, 27, 31, ओके। मतलब हर एक मंथ में सिर्फ इन चार डेट पर ही आपकी मीटिंग होगी, मतलब 21 को, 23 को, 27 और 31 को। चार डेट ही अगस्त में होंगी और चार डेट ही दिसंबर में होंगे, इस तरीके से 8 लोगों की मीटिंग हो जाएगी, तो ठीक है। देखिए इस तरीके के पजल को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से बना लीजिए, देखिए एक तो अगस्त की बात चल रही है तो ये मैंने अगस्त लिख लिया, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है, पूरा तो नहीं लिखना होता, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। अगस्त और दिसंबर की बात चल रही है, इन दो मंथ की बात चल रही है, ठीक है। अगस्त और दिसंबर की बात चल रही है, ठीक। और कौन कौन सी डेट पर हो रहा है? अगस्त में भी चार डेट है इसकी, 21, 23, 27 और 31। तो चार डेट यहाँ पर मार्क कर लीजिए, 21 को हो सकती है मीटिंग और 23 को होगी और 27 को होगी और 31 को होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया ये। देखिए अगस्त में भी चार डेट दिए उसने, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 23, 21, 23 और 27 और ये आपका हो जाएगा 31। समझ में आ गई बात? 21 को हो सकती है, 23 को हो सकती है, 27 को हो सकती है या फिर 31 को हो सकती है। ये चार डेट हो गई आपकी अगस्त की। इसी तरीके से चार डेट आपकी दिसंबर की हैं, ठीक है। तो 21, ठीक, 23, 27 एंड ये आपकी 31। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। चार डेट यहाँ पर हो सकती है, चार डेट ही आपकी यहाँ हो सकती है, ठीक है। ये चार डेट हो गई अगस्त की, ये चार डेट हो गई आपकी दिसंबर की, ठीक। अच्छा अब आगे देखते हैं, आगे कंडीशन रीड करते हैं। ओनली वन पर्सन विल अटेंड द मीटिंग ऑन दिस गिवन डेट, हर एक डेट पर सिर्फ एक ही बंदा अटेंड करेगा मीटिंग, ठीक है। क्यू विल अटेंड द मीटिंग ऑन आइदर 27th of August or 27th of December, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, क्यू या तो 27 अगस्त को मीटिंग अटेंड करेगा या फिर 27 दिसंबर को मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। देखिए क्यू या तो 27 अगस्त को करेगा या 27 दिसंबर को करेगा। तो क्यू एक तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आ सकता है 27 दिसंबर में आ सकता है, या फिर कहाँ पर आ सकता है क्यू हमारा, या फिर क्यू हमारा 27 अगस्त में आ सकता है। क्लियर हो गई बात, ये दो पॉसिबिलिटी हम लोगों ने ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, देर इज ओनली वन पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन क्यू एंड टी। अच्छा क्यू और टी के बीच में सिर्फ एक पर्सन अटेंड करेगा मीटिंग, ओके। तो इसको नोट कर लेते हैं, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन अटेंड करेगा, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन अटेंड करेगा। तो देखिए इस वाले केस में देखिए क्यू और टी, नीचे तो कोई जगह है नहीं खाली, ठीक है, नीचे तो आ नहीं सकता है एक बंदा छोड़ के। तो क्यू और टी मतलब टी यहाँ पर आ जाएगा एक पर्सन छोड़ के, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले केस में देखते हैं तो क्यू और टी एक पर्सन छोड़ के ऊपर भी आ सकता है, क्यू और टी एक पर्सन छोड़ के नीचे भी आ सकता है। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा होगा कि मैं समझाते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम लगता है, जब आप प्रैक्टिस में लेंगे बहुत ही आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। क्यू और टी के बीच में एक पर्सन है तो एक बार टी यहाँ पर आ जाएगा और एक बार टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए गलत करने से अच्छा है कि एक पॉसिबिलिटी अलग से ड्रॉ कर लीजिए, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर लग रहा होगा सर इतनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तो टाइम नहीं होता हमारे पास। देखिए बिल्कुल आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है।
हल्के हल्के डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आप आगे देखिए, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन है। आगे देखिए, देयर आर टू पर्सन्स विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड आर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था ना, देयर आर टू पर्सन्स विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन द टी और आर। अच्छा, टी और आर के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, टी और आर के बीच में दो लोग हैं। अच्छा, ये वाली कंडीशन तो हमने नोट करी ना, तो अपनी कंडीशन में इसको हटा देते हैं। टी और आर के बीच में दो लोग हैं, टी और आर के बीच में दो लोग हैं। तो देखिए, टी और आर अगर इस वाले केस को लेके चलें, तो दो छोड़ के आर नीचे भी आ सकता है और दो छोड़ के आर ऊपर भी आ सकता है। अभी इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में देखिए, इस वाली पॉसिबिलिटी में देखिए, टी दो छोड़ के आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। टी दो छोड़ के आर यहाँ पर भी आ सकता है, टी दो छोड़ के आर यहाँ पर भी आ सकता है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसको हम अभी होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, देयर इज वन पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन आर एंड एस। अच्छा, आर और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन अटेंड करेगा मीटिंग, ये हो गया आर और एस। आर और एस के बीच में एक पर्सन को लगा देते हैं, तो देखिए आर और एस। अच्छा, यहाँ तो आर आई नहीं है, आर और एस। अब देखिए, यहाँ पर एस नीचे भी आ सकता है और एस ऊपर भी आ सकता है, ठीक। अभी देख लेंगे कैसे सेट होगा। आगे देखते हैं, एस विल अटेंड द मीटिंग ऑन 23 ऑफ एनी ऑफ मंथ, आइदर दिसंबर और अगस्त। अच्छा, ये इसने यहाँ पर बता दी कंडीशन, मतलब एस 23 को ही अटेंड करेगा, मतलब ये जो एस आपको दिख रहा है ये 23 को ही अटेंड करेगा। तो अब देख लेते हैं, देखिए आर यहाँ पर है, ठीक है, आर यहाँ पर है। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी देखिए, आर यहाँ पर है, तो एक छोड़ के एस, एक छोड़ के एस आना है, तो एस 23 यहाँ पर भी आ सकता है और एक छोड़ के एस 23 यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। इसमें तो दो केस बन रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इस वाले में अब देखिए, बस चेक करना है यहाँ पे, रख के नहीं देखना, वरना बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे। देखिए टी, ये फर्स्ट वाला केस समझा रहा हूँ, जो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी, टी दो छोड़ के आर, अगर सपोज मैं नीचे को आर लेता हूँ, टी दो छोड़ के आर, दो छोड़ के आर लूंगा, तो आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अभी बस समझते रहिए, मैं प्लेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मार्कर पर ध्यान दीजिए। आर आर यहाँ पर आ सकता है, एक मिनट, टी दो छोड़ के आर, आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर मैंने यहाँ पे लिया, तो एक छोड़ के एस चाहिए, आर एक छोड़ के एस, मतलब एस 23 पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब यहाँ तो सही बैठ रहा है। अब ऊपर वाले एक बार चेक कर लेते हैं, ये सब आपको फिंगर से चेक करना होता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन, आपके जो रफ सीट में आप कर रहे हैं, बस फिंगर रख रख के चेक करते जाइए, ठीक है, कि दो केस पर केस अपने आप कैंसिल होते जाते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी अपने आप कैंसिल होती जाती है। अब ये देखिए, ये नीचे हमने रख के देखिए, अब इसी तरीके से ऊपर भी आ सकता है, आर तो ऊपर भी आ सकता है ना, तो टी दो छोड़ के आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आर छोड़ के एक एस चाहिए, तो एस आर छोड़ के एक एस मुझे यहीं पर लेना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन एस तो 23 में चाहिए, एस हमारा किस में चाहिए, एस उसने क्या बोला है, 23 में ही आएगा, लेकिन यहाँ तो 31 में आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आर इस केस में ऊपर नहीं ले सकते। समझ में आई ये बात मैंने कैसे ली, देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ। टी दो छोड़ के आर पर्सन को बिठाना है, ठीक है, मतलब टी दो छोड़ के आर, दो बंदों के बाद आर मीटिंग अटेंड करेगा। तो अगर देखिए फर्स्ट वाले केस में आर ऊपर भी आ सकता है, दो छोड़ के आर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो दो छोड़ के मैंने आर को नीचे लिया, सबसे पहले टी दो छोड़ के आर को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, आर आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब आर और एस में एक पर्सन है, तो आर और एस में एक पर्सन है, मतलब एस डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है, और एस 23 में चाहिए और 23 पर ही आ रहा है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन सही बैठ रही है। अब ऊपर वाली कंडीशन देखिए, टी दो छोड़ के आर, टी दो छोड़ के आर, आर को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब आर छोड़ के एक एस चाहिए, आर के बाद एक पर्सन छोड़ के एस चाहिए, तो एक पर्सन छोड़ के एस यहाँ पर आएगा, लेकिन एस यहाँ पर 31 में आ गया, लेकिन 31 में नहीं चाहिए हमें एस, एस किस में चाहिए, 23 में चाहिए, तो ऊपर वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली ये वाली कंडीशन सही होगी, तो टी दो छोड़ के आर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, आर एक छोड़ के एस, ये कंडीशन सही हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं, सेकंड वाली हमने पॉसिबिलिटी ड्रॉ की थी, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में एस यहाँ पर भी आ सकता है और एस नीचे भी आ सकता है, और दोनों जगह 23 डेट है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए, टी दो छोड़ के अगर मैं आर लेता हूँ, टी ऊपर की तरफ, दो छोड़ के अगर मैंने आर को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एक छोड़ के एस चाहिए, एक छोड़ के एस चाहिए ना, तो फिर से वही चीज आ गई जो फर्स्ट केस में बनी थी, मतलब एस हमारा यहाँ आ रहा था 31 में, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता है, तो डेफिनेटली हम इसमें भी नीचे लेंगे इसी तरीके से, टी दो छोड़ के आर यहाँ पर आ जाएगा, आर एक छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखिए दो केस बन रहे हैं ना आपके, तो इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, टी और ये रहा आपका क्यू, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो नहीं होगी, कम से कम हमारे पास एक ही बार में सही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आर एक छोड़ के एस है, अब देखिए एक बार एक छोड़ के एस यहाँ पर आ सकता है और एक बार एक छोड़ के एस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, और दोनों जगह 23 में आ रहा है, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, ये वाली कंडीशन भी यूज होगी, ये वाली कंडीशन भी यूज होगी। अब आगे देखते हैं, ओनली वन पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना अगस्त। अब आगे देखिए, ओनली वन पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस एंड डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन अटेंड करेगा, तो एस यहाँ पर है, एक पर्सन छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट केस में, ठीक है, डब्ल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, एस यहाँ पर है, एक छोड़ के डब्ल्यू आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, हटा दीजिए, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ये वाली कंडीशन, समझ में आ गई बात भाई, एस यहाँ पर था, एक छोड़ के डब्ल्यू के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो ये तो गलत हो गई। अच्छा, एस एक छोड़ के डब्ल्यू, तो एस नीचे एक छोड़ के तो आ रहा है, तो ऊपर एक छोड़ के डब्ल्यू आ सकता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में देखिए, एस ऊपर तो आर रखा है, एक पर्सन छोड़ के आर बैठा हुआ है, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एक पर्सन छोड़ के एस और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन अटेंड होगा, समझ में आ गई बात, ये बीच वाला केस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, देयर आर एज मेनी पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई,
जितने लोग डब्ल्यू और बाई के बीच में अटेंड कर रहे हैं एज बिटवीन बाई एंड जेड। अब देखिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है पजल में, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको, देखिए डब्ल्यू और बाई की जब भी आपको ये कंडीशन मिले आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। जब भी इस तरीके से लिखा मिले देयर आर एज मेनी एज द पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड बाई, मतलब डब्ल्यू और बाई के बीच में जितने अटेंड कर रहे हैं उतने ही एज बिटवीन बाई एंड जेड, उतने ही पर्सन बाई और जेड के बीच में अटेंड कर रहे हैं। मतलब जब भी आपको इस तरीके से लिखा मिले तो डेफिनेटली आपको एक चीज समझ जानी है कि बाई हमारा कहाँ पे आएगा, बाई हमारा हमेशा मिडिल पे आएगा, ठीक है। मतलब W और Z के बीच में आएगा, ठीक है, समझ में आई ये वाली कंडीशन। हमेशा जब भी आपके पजल में आए मतलब देयर आर एज मेनी पर्सन एज विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन W एंड Y, मतलब W और Y के बीच में जितने हैं उतने ही Y और Z के बीच में, तो Y हमारा डेफिनेटली कहाँ आएगा, बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, ठीक है, तभी तो कंडीशन बन पाएगी सही, ठीक। चलिए अब देखते हैं जरा फर्स्ट कंडीशन में, देखते हैं W और Y के बीच में जितने उतने ही Y और Z के बीच में। तो देखिए ये तीन स्पेस खाली है बस हमारे, तो देखिए अगर मैं W को यहाँ पर ले रहा हूँ, W को, W तो हमारा है ऑलरेडी, अगर मैं बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ तो जेड मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो बाई मिडिल में आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक छोड़ के बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ तो एक छोड़ के भाई W और बाई के बीच में एक, अगर मैं बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज, ठीक है, 23 वाले अगस्त वाले केस में ले रहा हूँ बाई को, ठीक। तो देखिए एक छोड़ के अगर मैं बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ तो एक छोड़ के ही जेड मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि बाई और जेड में भी उतने ही पर्सन जितने डब्ल्यू और बाई के बीच में है, तो बाई और जेड छोड़, देखिए जेड के लिए कोई जगह नहीं बचेगी एक छोड़ के, ठीक, मतलब बाई को मैं यहाँ नहीं ले सकता। अगर सपोज मैं दो छोड़ के बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ, समझते जाना बहुत ध्यान से, दो छोड़ के बाई को यहाँ पर ले रहा हूँ तब भी जेड के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है, क्योंकि दो छोड़ के बाई आया तो दो छोड़ के जेड आना चाहिए, मतलब ऑलरेडी डब्ल्यू रखा हुआ है यहाँ पर, तो बाई को मैं डेफिनेटली फर्स्ट केस में कहाँ पर लूंगा, यहाँ पर लूंगा, जितने डब्ल्यू और बाई के बीच में उतने ही बाई और जेड के बीच में। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर हुई है मैंने कैसे लिया, ठीक है, एक बार वीडियो को रिपाइंड करके देख लीजिएगा आ जाएगी समझ में। अच्छा ये कंडीशन तो हमारी कैंसिल हो चुकी है, अब यहाँ पर देखते हैं W और Y के बीच में जितने उतने ही Y और Z के बीच में। तो देखिए W और Y, एक बार नीचे देखते हैं W और Y, अगर दो छोड़ के Y को मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ तो दो छोड़ के Z के लिए तो कोई जगह नहीं बचेगी, मतलब नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा ऊपर देखते हैं एक छोड़ के Y, अगर मैंने यहाँ भाई ये दो दो जगह तो खाली है ऊपर की तरफ W के ऊपर, तो एक छोड़ के अगर मैंने Y को यहाँ पर लिया तो एक छोड़ के मुझे Z देना पड़ेगा, तो Z के लिए तो कोई जगह बची नहीं एक छोड़ के, ऑलरेडी W रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे ना इस चीज को, देखिए समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ठीक है। W अगर दो छोड़ के मैं फिर मैंने यहाँ पे Y लिया, ठीक, तो फिर दो छोड़ के मुझे Z देना पड़ेगा, मतलब दो छोड़ के Z नहीं आ सकता, तब भी कोई जगह खाली नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी हमारी गलत है, समझ में आ गई बात, ठीक। अच्छा अब आगे देखिए W दो छोड़ के Y और दो छोड़ के देखिए यहाँ पे आ सकता है, देखिए W यहाँ पर है, ठीक है, W एक छोड़ के तो नहीं आ सकता Y, दो छोड़ के अगर मैं Y यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर मैं Y यहाँ पर ले रहा हूँ, W दो छोड़ के मैंने Y लिया, इसी तरीके से Y दो छोड़ के Z देना पड़ेगा, क्योंकि जितने W और Y के बीच में उतने ही Y और Z के बीच में, तो देखिए Y को मैंने यहाँ पर लिया तो दो छोड़ के R और Q छोड़ के Z मेरा यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो देखिए जितने W और Y के बीच में उतने ही Y और Z के बीच में, मतलब फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन अभी हमारी चल रही है, मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये वाली भी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यूज कर ली। आगे देखते हैं एक्स विल नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन 21st अगस्त। अच्छा अब देखिए इसमें सारे प्लेस फिल हो गए थे, एक्स यहाँ पे आएगा, इसमें सारे प्लेस फिल हो गए थे, एक्स यहां पर आएगा। अब देखते हैं कौन सी गलत है, देखिए लास्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा, एक्स विल नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन 21st अगस्त। देखिए फर्स्ट वाले केस में तो एक्स हमारा कहां पे आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में एक्स हमारा 21 अगस्त पे आ रहा है, और वो मना कर रहा है कि एक्स 21 अगस्त को नहीं करेगा मीटिंग, तो ये वाली हमारी कंडीशन गलत हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ये वाली, तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई है। समझ में आई आपको बात किस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है, ये टी है ऊपर, एक मिनट लिखते हैं, ये टी है ऊपर, ठीक है, तो टी जेड क्यू आर बाय एस एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से आपके पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे। समझ में आया किस तरीके से किया है मैंने, ठीक है, मैं आपको समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, आप प्रैक्टिस करेंगे विद इन 2 मिनट्स के अंदर ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, ठीक, जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके पूछेगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिल्कुल उसको आपको वहां पर सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को, हु अमंग फॉलोइंग विल अटेंड द मीटिंग ऑन 27 अगस्त। तो बस अब कुछ नहीं है, 27 अगस्त को कौन अटेंड कर रहा है, 27 अगस्त को कौन अटेंड कर रहा है, क्यों अटेंड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, हाउ मेनी पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आर एंड डब्ल्यू के बीच में, तो देख लेते हैं आर और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं। तो देखिए आर हमारा यहाँ पर है, आर ये है, और डब्ल्यू कहाँ पर है, डब्ल्यू ये है, तो कितने पर्सन हो गए बीच में, एक दो तीन पर्सन हो गए, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग फॉलोइंग विल अटेंड द मीटिंग ऑन 31st दिसंबर, मतलब 31st दिसंबर को कौन अटेंड कर रहा है, तो देख लीजिए 31st दिसंबर को कौन अटेंड कर रहा है, डब्ल्यू अटेंड कर रहा है, भाई 31st दिसंबर को ये है ना डब्ल्यू, तो डब्ल्यू अटेंड कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ टी इज रिलेटेड टू क्यू एंड आर इज रिलेटेड टू एस, ठीक है, अच्छा T इज रिलेटेड टू Q एंड R इज रिलेटेड टू S इन द सेम वे Y इज रिलेटेड टू, अच्छा T जिस तरीके से Q से रिलेटेड है R और S से रिलेटेड है, ठीक है, तो देख लेते हैं, देखिए T
जिस तरह क्यू से रिलेटेड है। तो टी ये है सबसे ऊपर और ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है, तो टी एक छोड़ के क्यू आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात भाई, टी एक पर्सन छोड़ के क्यू आ रहा है। इसी तरह आर और एस में दिया रिलेशन, तो आर एक छोड़ के पर्सन एस आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात, मतलब एक पर्सन छोड़ के हमें नीचे वाले पर्सन को लेना है। तो देखिए क्या बोला इसने, किसके बीच में पूछा है, इन द सेम वे बाई इज रिलेटेड टू, बाई किससे रिलेटेड होगा, तो देख लेते हैं बाई एक पर्सन छोड़ के कौन आ रहा है, तो बाई यहाँ पर हमारा एक, बाई हमारा ये है, बाई हमारा ये है ना, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट बाई हमारा ये है, ठीक है, बाई हमारा ये है एक पर्सन छोड़ के एक्स, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स विल अटेंड द मीटिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, तो जल्दी से देख लीजिए एक्स कौन से दिन अटेंड कर रहा है, तो एक्स कौन से दिन अटेंड कर रहा है, ये कर रहा है एक्स हमारा 27th of December को, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 27 दिसंबर कहीं नहीं दिया है, कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ठीक है, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी डाउट आया जरूर पूछेगा, ठीक है। अब डेली बेसिस पर आपको पजल मिलेंगी, ठीक है, देखते रहिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपको, डेफिनेटली इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक, डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके होने वाले हैं, सितंबर में एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस एकदम खतरनाक तरीके से रखिए अपनी, ठीक है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, एसटी देते रहिए डेली बेसिस पर, ठीक, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और वीडियो को और भी शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंक यू।